सो स्टूडेंट्स, हमने अब तक डिस्कस किया लेसन सेकंड डेमोक्रेसी में, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी मीनिंग में, उसके हु आर द रूलर्स, एंड आफ्टर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. नाउ वी विल डिस्कस द अनदर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. वन ऑफ द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी और मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मीनिंग है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. इसने हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और उसके वोट की वैल्यू भी एक ही मानी जाए. जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं, लेट्स रीड अबाउट दैट, कि कई क्षेत्रों में ऐसा नहीं है जहाँ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो है अधिकार नहीं है. ये क्या है वन पर्सन वन वोट? लेट्स सी कि सऊदी अरेबिया में वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट. सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है. मींस वुमेन्स आर नॉट गारंटेड बाय द वोटिंग राइट. उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया है. तो क्या हुआ कि पुरुषों को वोटिंग राइट है, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है. तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी डील्स विद दैट कि एवरीवन मस्ट हैव राइट टू वोट. हर किसी के पास राइट टू वोट होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, सेक्स, कलर. या पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर डेमोक्रेसी बेस है. डेमोक्रेसी का एक अभिप्राय ये भी है कि हर किसी को वोटिंग राइट हो, ऐसा शासन तंत्र जिसमें सबको वोटिंग राइट्स मिलें. तो डेमोक्रेसी का एक मीनिंग, एक फीचर ये भी है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है. एस्टोनिया में जो सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप रूल्स इस तरह से बनाए हुए हैं कि दोज हु बिलोंग टू द रशियन माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट नहीं है, या उनको वोटिंग राइट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो एज बेस्ड ऑन द रेस और पर्टिकुलर ग्रुप. एंड द सेम इज़ इन फिजी. फिजी का इलेक्ट्रल सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है कि वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजी. तो वहाँ फिजियन ग्रुप दो हैं, एक इंडिजीनियस फिजी हैं, एक जो इंडियन फिजी हैं. इंडिजीनियस जो बाय बर्थ फिजी हैं, जिनका जन्म, जिनके पूर्वजों का जन्म ही फिजी में हुआ, और इंडिजीनियस वो फिजी हैं, और इंडियन फिजी वो हैं. एंड इंडियन फिजियन वर दोज हूज एंसेस्टर्स दे वर आउटसाइडर्स, दे वर डोंट बिलोंग टू फिजी. फिजी से वो नहीं थे, वो फिजी से बिलोंग नहीं करते, उनके पूर्वज वो बाहर से आए हुए हैं. तो इस तरह से इन दोनों में भेदभाव किया जाता है. तो विद दीज थ्री एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ नो इक्वालिटी ऑफ वोट इन सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी. विद दीज थ्री एग्जांपल हमने ये देखा कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो सिद्धांत, डेमोक्रेसी का जो बेसिक फीचर है, वो यहाँ लागू नहीं होता. तो वी शुड नॉट एबल टू टेल और टू कॉल इट एज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. डेमोक्रेटिक सिस्टम हम यहाँ का नहीं कह सकते, चाहे वहाँ इलेक्शन होते हों, बट क्योंकि वहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं है. फिर सऊदी अरेबिया में वुमेंस को अलाउड नहीं है, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटीज़ को, और फिजी में जो है वो इंडियन फिजी को. तो डेमोक्रेसी, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव राइट टू वोट एंड वन वोट शुड हैव वन वैल्यू. डेमोक्रेसी का बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि हर व्यक्ति को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सर्टेन एज के बाद वोटिंग राइट होना चाहिए. जैसे 18 ईयर की एज इंडिया में है, उसके बाद विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए. वन वोट वन वैल्यू मीन्स हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार और उसके वोट समान महत्व मिलना चाहिए, जिस प्रकार एक अमीर की वोट को और उसी प्रकार एक गरीब की वोट को, या कि जिस प्रकार एक जाति के हैं अन्य जाति के वोट को भी उसी प्रकार एक ही समान महत्व मिलना चाहिए. ईच वोट शुड बी काउंटेड एज वन एज इक्वल. तो ये है डेमोक्रेसी का वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. विद द एग्जाम्पल ऑफ सऊदी अरब, एस्टोनिया एंड फिजी यू कैन अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट बेसिक फीचर और ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ये डेमोक्रेसी का विस्तृत मीनिंग, डेमोक्रेसी को एक ब्रॉडर कंसेप्ट में समझाता है कि डेमोक्रेसी
Democracy is a system of government in which the rule of law is above. जिसमें ऐसा शासन तंत्र है डेमोक्रेसी जिसमें सबसे ऊपर कानून होता है, कानून से ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर या राजा नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जिम्बाब्वे का एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय ज़ैनू पीएफ पार्टी, दिस इज़ द पार्टी विच रूल्ड ओवर जिम्बाब्वे आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द रूलर एंड द लीडर ऑफ दिस पार्टी इज़ रॉबर्ट मुगाबे. रॉबर्ट मुगाबे कौन है? रॉबर्ट मुगाबे इस पार्टी का लीडर है, रूल कर रहा है ज़ैनू पीएफ पार्टी को. बहुत पॉपुलर है, लोगों में पसंद किया जा रहा है. और डेमोक्रेसी के सारे बेसिक फीचर्स, इलेक्शन होना, रेगुलर इलेक्शन यहाँ होते हैं और जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, बट अनफेयर प्रैक्टिसेस का प्रयोग करके इलेक्शन को जीता जा रहा है. अपोजिशन पार्टी के वर्कर को हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है. एंड पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर इलीगल. तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस क्या हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या हैं ज़ैनू पीएफ पार्टी की? इलेक्शंस रेगुलरली एक ही पार्टी ज़ैनू पीएफ पार्टी जीत रही है लगातार हमेशा से, और लोग कभी भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं अपनी किसी भी विषय को लेकर के, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ. तो ये तरीके हैं ज़ैनू पीएफ पार्टी के टू विन द इलेक्शन. और टेलीविज़न, रेडियो, गवर्नमेंट रूल्स, बिल्डिंग सब पर कंट्रोल है. इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स नहीं चल पा रहे हैं. अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है. गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, यहाँ तक कि कोर्ट के आदेशों को भी इग्नोर किया जा रहा है. So in these cases of Zimbabwe, we cannot say this government is a democratic government because there is no rule, there is no right, there is no political opposition, no judiciary, क्योंकि हर चीज़ को ओवर रूल किया जा रहा है. ज़ैनू पीएफ पार्टी कानून को कुछ नहीं समझती है, पॉलिटिकल अपोजिशन जो विरोधी पार्टी हैं उन्हें मौका नहीं देती है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को ये अधिकार होते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की सरकार होती है. पीपल कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. और अपोजिशन पार्टी विरोधी दल का काम करती हैं, बेसिक राइट्स होते हैं. सो दीज आर द ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के ब्रॉड मीनिंग या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी हम कह सकते हैं. हमने क्या क्या डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में हु आर द रूलर्स एंड हाउ दे इलेक्टेड, आर दे हैविंग पावर टू टेक डिसीजन, पहली फीचर ये की. उसके बाद सेकंड फीचर की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं. एंड नेक्स्ट हमने किया कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, इलेक्शंस में कोई धांधली नहीं होती है, और उसके बाद वन वोट वन वैल्यू होती है, हर किसी को वोटिंग राइट का अधिकार होता है और उनकी वोट का महत्व समान होता है. देन नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, कानून सर्वोपरि होता है. लॉ इज़ अबव ऑल एंड nobody can overcome that, whether it is a political party. तो इस तरीके से ये डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स हैं. सिंपल डेफिनेशन को अगर हम कंसेप्ट को ब्रॉड करके पढ़ें तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि हु आर द रूलर्स, हाउ दे इलेक्टेड. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यू कैन सी हेयर दैट हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर द रूलर. फ्री एंड फेयर इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड. In democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value, जो हम discuss कर चुके हैं. Democratic rule, government rule within limits set up by constitution, law and citizen rights, जो हमने पढ़ा respect of law and law is about. And opposition party are allowed to function freely. तो ये basic features of democracy हैं. जो देश की सरकार, शासन तंत्र इन कंडीशंस को पूरा करता है, दे कैन बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.